डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सर को मेरा नमस्कार। और खैर मकदम इनका आज के हमारे वर्ल्ड सॉइल डे प्रोग्राम में इनके डिपार्टमेंट से आए हुए जॉइंट डायरेक्टर श्री चमनलाल जी, जो अभी बड़े विस्तार में आपको बता रहे थे आज के दिन के बारे में। श्री सरबदीप जी CHO हॉर्टिकल्चर और डॉक्टर द्विवेदी साहब, डॉक्टर शीतल डोगरा, डॉक्टर प्रदीप राय और अन्य साइंसदान जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आए हैं, मैं आप सभी का इस एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जहां पर आज आप बैठे हैं ये यूनिवर्सिटी का एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप अपना समय निकाल कर यहाँ हमारे बीच आए। जैसा कि चमनलाल जी ने हमें बताया कि आज का जो दिन है ये बहुत खास है हमारे लिए, वो इसलिए मैं डोगरी बोला या हिंदी बोला, बोलो ठीक है। आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत खास है, वो इसलिए कि हम कहते हैं मृदा मिट्टी जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। मेरी बहनें माताएं इधर बैठी हैं जो अपने घर में काम करती होंगी, उनको पता है कि हमारा जो बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं। उसी तरह आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कैसे मिट्टी को बचाएं, उसका संरक्षण करें। वो इसलिए कि पहले समय में आपने देखा होगा कि घर में कोई बीमारी लग जाती थी किसी पौधे में, तो आप लोग क्या करते थे कि चूल्हे की राख लेके उसको झाड़ देते थे, याद है तुम्हें? कहते थे कि चूल्हे की राख लो उसको डाल दो। वो क्या काम करती थी राख? उसका हमने रिप्लेस कर दिया, इनकम लेने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्षमता थी वो घटती गई। वो घटती इसलिए गई क्योंकि सॉइल में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपनी प्रक्रिया करते हैं। जब हम इन चीजों का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएंगे, उनकी कमी होना शुरू हो जाएगी, जिस कारण नुकसान हमारे पौधों को होगा, न्यूट्रिएंट क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो आज यहाँ आप जो हमारे सेंटर में बैठे हैं, यहाँ पीछे देख रहे होंगे ये हमारी एक लेबॉर्टरी है, इसका नाम है बायो कंट्रोल लेबॉर्टरी। इस लेबॉर्टरी में हम ऐसे जीव तैयार करते हैं जिनको आप सॉइल में डालिए और उससे आपकी सॉइल जो है वो अच्छी होगी। मकसद यही है कि किस तरह हमें मिट्टी को स्ट्रेंथ करनी है, मिट्टी को उसकी क्षमता को बरकरार रखना है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर कार्य कीजिए। देखिए आज आप अपना समय निकाल कर इधर आए हैं, वो इसलिए कि जो ये दिन 5 दिसंबर का जो निकाला गया था, वो इसलिए निकाला गया था कि हमें 5 दिसंबर को लोगों को जागरूक करना है, उनको ये बताना है कि मिट्टी हमारे लिए कितनी खास है, मिट्टी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो वो इसी तरह हम बता सकते हैं कि जैसे आप सभी आज इधर बैठे हैं, अपने गांव में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, लोगों में ये चीज़ बताइए कि आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके लिए कार्य कीजिए। और उसके लिए जो हमारे बायो एजेंट्स हैं, कुछ नहीं करना, आपने पहले भी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, अगर नहीं है तो आज आप इधर आए हैं, मैं आप सभी से ये भी आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में भी इधर आइए। आप आज एक बहाने से आए हैं कि आज ही हम मृदा दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान भाई बहन इधर आना चाहता है वो इधर हमारे स्टेशन पे आ सकता है, हम उसको बताएंगे कि कैसे आपने इसका उपयोग करना है। कुछ नहीं है, एक पाउडर फार्म में हम आपको मीडिया देते हैं, उसको आपने जाके गोबर में मिक्स कर देना है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे। गोबर में मिक्स करके गोबर को थोड़ा तरपाल से गीला करके रखना है ताकि उसके अंदर वो फंगस ग्रो हो जाए, जब वो गोबर थोड़ा पीला हरा होना शुरू हो जाएगा फिर आपने उसका यूज़ करना है। उससे क्या होगा, जो जीवाणु हैं आपके मिट्टी के उनको आप बरकरार रखेंगे, वो बन के रहेंगे और आपकी मिट्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आज का जो अवेयरनेस कैंप होने का कारण ये है कि आप लोगों में जागरूकता डाली है, जो जैसे चमनलाल जी ने बताया 5 दिसंबर का दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनाइए। आप सभी ने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी डोज लिखी जाती है कि इसको ये टीका इतने दिन के बाद लगेगा, इसको ये टीका इतने दिन के बाद लगेगा। वैसे ही आपकी मिट्टी में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको आपने अप्लाई करना है।
कुछ सूक्ष्म न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनका हमें पता नहीं चलता, तो उनकी भी हमें टाइम टू टाइम एप्लीकेशन करनी है। वो तभी हो पाएगा कि जब हम मिट्टी की अच्छे से जांच करवाएं। तो पहली, जब कभी भी कोई बाग लगाना है, जैसे ये स्टेशन हॉर्टिकल्चर का, तो मैं यही कहूँगा कि जब कभी कोई बाग लगा रहे हो, कोई बाग के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो आप मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं। उसमें देखिए कि जो उनसे न्यूट्रिएंट की कमी है, वो न्यूट्रिएंट हमें उसमें देने हैं। आज का दिवस मृदा दिवस, जब तक मिट्टी स्ट्रेंथ नहीं होगी, कहते हैं जब बच्चा पैदा होना है तो माँ अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो बच्चा कभी भी पौष्टिक नहीं हो सकता, हेल्दी नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हमारी सॉइल वो हेल्दी नहीं है तो हमारा पौधा कभी हेल्दी नहीं हो सकता। तो हमें आज के दिन ये प्रण लेना है कि हम अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे कि कैसे हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, कैसे हम मिट्टी की स्ट्रेंथ को बरकरार रखें। तो आप सभी इधर आए, आप सभी के आने का हमारा मकसद तभी पूरा होगा कि जब आप अपने गाँव में जाते हैं, अपने जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ जाके आप छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप कीजिए। जैसे महिलाएं बैठी हैं, ये छोटा ग्रुप बना के बताएं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे एक चेंज ला सकते हैं। कोई भी चेंज एक रात में नहीं हो सकता, उसके लिए हम सभी को जुड़ना पड़ेगा, हम सभी को इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। और साथ ही मैं आप सभी को ये बता दूँ कि यूनिवर्सिटी हमेशा आप लोगों के कार्य के लिए तत्पर है। डिपार्टमेंट के देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब इधर बैठे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज आप सभी को मालूम है छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी संडे के दिन भी ये आज इधर आए। हमारे वीसी साहब अभी आपको ज्वाइन करेंगे, उन्होंने भी कहा कि मैं खुद आके उधर आप सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो ये क्या, ये एक आपके लिए कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो काम हम तब तक नहीं पूरा कर सकते जब तक आप खुद उसके लिए जागरूक नहीं होंगे, जब आप में वो सीखने की, वो करने की लगन नहीं होगी। तो मैं आप सभी को यही अनुरोध करूंगा, बार बार आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा यही अनुरोध है, आप अपनी तरफ से एक शुरुआत कीजिए, आप एक जरिया बनिए लोगों तक बात पहुंचाने का कि कैसे मिट्टी हमारे लिए बहुमूल्य है। हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे काम देखिए, जैसे हमने अपने अपने फायदे के लिए हमने क्या किया, हमने फैक्ट्रियां लगा दी, हमने और बहुत से काम किए। अब कईयों के घर में आम के पौधे लगे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आम के जो आम लगता है उसके ऊपर नीचे काला पड़ जाता है, क्योंकि आप सभी मिश्री वाला और मढ़ साइड से हैं, तो इस साइड आम के बागों में आपने देखा हो, जब घर में आम का फल पड़ेगा तो नीचे से काला पड़ जाता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारे आगे पीछे जो ईंट की भट्टियां लगी हैं उनका जो धुआं है, उसके कारण वो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होती है। हम कहते हैं कि आप बोरिक एसिड का स्प्रे कीजिए, वो तो हो गए कंट्रोल मेजर, लेकिन जब हम खुद ही इतने जागरूक हो जाएं। ये मैंने आम का जिक्र इसलिए किया, सर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में 2007 में मैं बदला से ट्रांसफर होकर आया, तो यहाँ पर मॉडर्न में सर बहुत आम का बड़ा अच्छे इनकी प्रोडक्शन है मैंगो की, तो वहाँ पर एक दो प्रोग्रेसिव फार्मर थे, वो मेरे पास आए था कि सर हमारा मैंगो जो है वो नीचे से काला हो रहा है। मैंने कहा जी ईंट के जो भट्टे हैं इनको आप उस दौरान उठाओ। तो सर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक सक्सेस स्टोरी बन गई। आज वो डीसी जम्मू जी ने, उन्होंने क्या किया उस दौरान सर 2009-10 में उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी कि ड्यूरिंग जुलाई टू सेकेंड वीक ऑफ अगस्त वो ईंट का भट्टा जो है बंद रहेंगे, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर तक लेके जाओ। तो उससे क्या हुआ, उनकी ब्लैक टिप की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि हमारे हम सब टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हैं, आप सभी एक्सटेंशन के लिए हैं। जब हम दोनों इकट्ठे होकर काम करेंगे, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, तो फार्मर अगर अपना सहयोग देगा तभी जो विकास होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जो आप इधर आए हैं, आप कुछ अपने साथ लेके जाइए कि हम कैसे अपने आगे पीछे की जमीन को संरक्षित करने के लिए काम करें। आज का जो एम है उसका नाम देखिए, उधर आप सभी कह रहे थे कि हम जिसमें मर्जी बताइए, यहाँ लिखा है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, मतलब सॉइल की जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी होती है जिसमें जब हम पानी देते हैं या कुछ देते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सॉइल जो है सलाइन हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद परत पड़ जाती है, तो कहता है उसको कम कीजिए और मिट्टी की पौष्टिकता को बढ़ाइए। जो 2021 का जो एम है जिसके ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं, उसका ये मकसद ये है कि हमें मिट्टी की पौष्टिकता को बढ़ाना है, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, मतलब मिट्टी की पौष्टिकता को बढ़ाओ। तो पौष्टिकता कब बढ़ेगी, जब मिट्टी में सूक्ष्म जो कीटाणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। हम मिट्टी को खराब नहीं होने देंगे, हम आगे पीछे के जो और कार्य हो रहे हैं उनमें लोगों को बताएंगे कि मिट्टी कैसे हमारे लिए बहुमूल्य है, हमारे लिए उपजाऊ है। तो आज का जो दिन मृदा दिवस है, इस सभी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आज के दिन जो मेरे किसान भाई, जो बहनें
और जो कोई भी मुझे सुन रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से है, चाहे वो हमारी स्वास के बंदे हैं, वो आज एक प्रण लें कि हम ये मिशन की तरह काम करेंगे और जो हमें अवेयरनेस पहुंचानी है फार्मर्स तक, उसको हम पहुंचा के रहेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे मृदा दिवस हमारे लिए जरूरी है। इस सभी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।